स्टार्टिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ। भाषाओं का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर क्षेत्र में हर देश में काम आती है। अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करता है, कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करवाने की बात हो या ऑफिस में नॉर्मल बात करने की बात हो, कहीं ना कहीं इंग्लिश का उपयोग करना ही पड़ता है। तो लेकिन आप सभी ये नहीं जानते कि इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाना जरूरी है। आप घर में रहकर भी खुद से ही इंग्लिश में पारंगत हो सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे इस खास वीडियो। क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? उसके लिए तो हमने कोई कोर्स भी नहीं किया था, हमने इसे बिना किसी कोर्स के ही सीख लिया। इसकी एक मुख्य वजह थी कि हमारे आसपास हर व्यक्ति इन्हीं भाषा में बात करता था, उन्हें बोलते और सुनते हमने भाषा से बोलते थे, उन्हें बोलते और सुनते बोलना भी सीख लिया। यही एक आसान तरीका है, आवाज के सहारे सुनकर हम भाषा सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए भाषा को सुनना बहुत आवश्यक है। आपके चारों ओर आप इंग्लिश को सुनते रहिए, लेकिन भाषा को सुनते समय किसी और काम में ध्यान ना लगाए। या तो आप इंग्लिश को जोर जोर से पढ़े, अपने दोनों कानों दोनों उंगलियां बंद कर अपने दोनों कानों को दोनों उंगलियों से बंद करके बुलंद आवाज में पढ़े। ऐसा आप करेंगे तो आपको समझ आएगा किस प्रकार से इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। परंतु आप जब पढ़ रहे होंगे तब किसी भी लाइन का मतलब निकालने की कोशिश ना करें, बस अंग्रेजी को अपने कानों में आने दें। यही प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से करनी चाहिए जैसे एक नन्हा बच्चा सुनता है। वह कभी भी वाक्य के मतलब पर ध्यान नहीं देता, बस भाषा के उच्चारण को सुनते रहे। इसके बाद का काम आपके मस्तिष्क को करने दें। इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। इसके लिए किसी अन्य भाषा का सहारा ना लें। फिल्में देखना सबको पसंद है, तो अपनी मातृभाषा की फिल्मों के साथ इंग्लिश सबटाइटल वाली फिल्में देखना भी शुरू करें। इसी प्रकार से आपने अगर बदलाव लाए तो बहुत आसानी से आप इंग्लिश घर बैठे ही सीख पाएंगे। धन्यवाद।